ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस एंड कार से रिलेटेड कंपैरिजन रिव्यूज़ वीडियोस के लिए हमारे चैनल एसवी कार पोर्टल को सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एसवी कार पोर्टल में। एंड आज की ये वीडियो होने वाली है कंपैरिजन वीडियो। एंड इस कंपैरिजन वीडियो में जो हमने दो कार्स लिया वो है मारुति सुजुकी की हैचबैक इग्निस एंड ह्यूंडई की एंट्री लेवल हैचबैक सेंट्रो। तो आज इन दो कार्स का हम कंपैरिजन करके देखने वाले हैं एंड कंक्लूजन निकालेंगे कि विच इज़ बेस्ट टू बाय एंड कौन सी कार आपको कब लेनी चाहिए। आज हम इस वीडियो में प्राइस, फीचर्स, सेफ्टी फीचर्स, एडिशनल फीचर्स और कौन सी कार आपको लेनी चाहिए और साथ ही साथ इनके इंजन स्पेसिफिकेशन और डायमेंशन एंड कैपेसिटी, इतने सारे पॉइंट्स एंड एस्पेक्ट्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अगर आपको इन दोनों कार्स को लेने में कोई भी कन्फ्यूजन हो रही थी तो ये वीडियो को देखने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो यहाँ बात करने वाले हैं हम मारुति इग्निस की। तो जो हमने वेरिएंट लिया है, मारुति इग्निस का डेल्टा वेरिएंट है जिसकी प्राइसिंग 5.66 लाख एक शोरूम दिल्ली देखने मिल जाती है। वहीं ह्यूंडई सेंट्रो का वेरिएंट की मैं बात करूँ तो हमने स्पोर्ट्स वेरिएंट लिया है जिसकी प्राइसिंग 5.4 लाख एक शोरूम दिल्ली देखने मिल जाती है। अब मैं बात करने वाला हूँ इनके इंजन स्पेसिफिकेशन की। तो मारुति इग्निस में आपको 1.2 लीटर डुअल जेट पेट्रोल इंजन देखने मिलेगा जो कि 4 सिलेंडर है और 1197 सीसी का इसका डिस्प्लेसमेंट है और साथ ही साथ 81.80 bhp 6000 rpm पे प्रोड्यूस करता है। और इसके इसके ARAI माइलेज की बात करें तो 20.89 किलोमीटर पर लीटर इसका माइलेज क्लेम किया जाता है। बात कर लेते हैं ह्यूंडई सेंट्रो की। तो यहाँ पे आपको 1.1 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन देखने मिलता है जो कि 1086 cc का है और 68 bhp 5500 rpm पे जनरेट करता है। वहीं माइलेज की बात करें तो 20.3 किलोमीटर पर लीटर का ARAI माइलेज क्लेम किया जाता है। तो ये थी इंजन एंड स्पेसिफिकेशन की बात। अब चलते हैं यानी कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स। तो यहाँ पे आपको दोनों ही कार्स में पावर स्टेयरिंग, ऑल फोर पावर विंडोज और साथ ही साथ एक्सेसरी पावर आउटलेट और लो फ्यूल वार्निंग स्टैंडर्ड देखने मिल जाती है। वहीं ह्यूंडई सेंट्रो में आपको रिमोट ट्रंक ओपनर और रिमोट फ्यूल लिड ओपनर देखने मिल जाएगा जो कि मारुति इग्निस में नहीं है। वहीं मारुति इग्निस में आपको ट्रंक लाइट, वैनिटी मिरर देखने मिल जाएगा जो कि ह्यूंडई सेंट्रो में नहीं है। दोनों में ही आपको रियर सीट, हेडरेस्ट, फ्रंट कप होल्डर्स देखने मिल जाएंगे। रेयर एसी वेंट्स आपको ह्यूंडई सेंट्रो में देखने मिलेगा, इग्निस में अवेलेबल नहीं है। मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाता है। ह्यूंडई सेंट्रो में आपको एक और बेनिफिट है वो है नेविगेशन सिस्टम। और यहाँ पे आपको मारुति इग्निस में कोई भी इस तरीके का फंक्शन नहीं मिलता है। दोनों ही कार्स में आपको रेयर पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे। रेयर फोल्डेबल सीट मिल जाएगी जो कि 60-40 स्प्लिट मारुति इग्निस में और बेंच फोल्डिंग ह्यूंडई सेंट्रो में है। बॉटल होल्डर आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाएंगे। बात करने वाले हैं वॉइस कंट्रोल की, तो वो आपको ह्यूंडई सेंट्रो में देखने मिलेगा, मारुति इग्निस में कोई भी फीचर नहीं है। गियर शिफ्ट इंडिकेटर आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाते हैं। अब आ जाते हैं एडिशनल फीचर्स की बात। तो मारुति इग्निस में आपको ड्राइवर एंड को ड्राइवर, सनवाइजर, पार्सल ट्रे और फुटरेस्ट, ये तीन फीचर देखने मिलते हैं। वही ह्यूंडई सेंट्रो में आपको फ्रंट एंड रेयर डोर, मैप पॉकेट, इको कोटिंग टेक्नोलॉजी, रेयर पार्सल ट्रे और स्वच्छ कैन और टिकट होल्डर जैसे फीचर्स देखने मिल जाते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ पावर विंडोज़ की। तो दोनों में ही आपको पावर विंडोज़ मिल जाती है, बट वन टच ऑपरेटिंग पावर विंडो आपको मारुति इग्निस में देखने मिलती है जो सिर्फ ड्राइवर विंडो के लिए ही है। तो यहाँ पे एयर कंडीशनिंग, हीटर और कीलेस एंट्री दोनों में ही स्टैंडर्ड देखने मिल जाएगा। वहीं एडजस्टेबल स्टीयरिंग आपको सिर्फ मारुति इग्निस में देखने मिलेगा, ह्यूंडई सेंट्रो में अवेलेबल नहीं है। सेफ्टी फीचर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ABS, EBD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स और चाइल्ड सेफ्टी लॉक यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड देखने मिलेगा। वहीं आपको एंटी थेफ्ट अलार्म मारुति इग्निस में देखने मिल जाता है। डे नाइट रेयर व्यू मिरर दोनों ही कार्स में दिया हुआ है। पैसेंजर साइड रेयर व्यू मिरर दोनों ही कार्स में अवेलेबल है। दोनों ही कार्स में आपको हेलोजन हेडलाइट्स देखने मिलते हैं। रेयर सीट बेल्ट, सीट बेल्ट वार्निंग, साइड इंपैक्ट बीम आपको दोनों ही कार्स में देखने मिल जाती हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ कुछ एडिशनल सेफ्टी फीचर्स की। तो यहाँ पे आपको मारुति इग्निस में माउंट्स, LED स्टॉप लैंप, की लेफ्ट रिमाइंडर, पेडेस्ट्रियन प्रोटेक्शन और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, इतने एडिशनल सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं जो कि एडिशनल सेफ्टी फीचर्स ह्यूंडई सेंट्रो में अवेलेबल नहीं है। आपको दोनों ही कार्स में एंटी थेफ्ट डिवाइस देखने मिल जाएगा, स्पीड अलर्ट सिस्टम देखने मिल जाएगा, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक आपको मारुति इग्निस में देखने मिलता है, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स आपको मारुति इग्निस में देखने मिल जाते हैं, प्रिटेंशन एंड फोन्स लिमिटर, सीट बेल्ट देखने मिल जाते हैं और इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक मारुति इग्निस में देखने मिल जाते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ
इंफोटेनमेंट सिस्टम की इंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन के फैक्टर के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों में ही आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है। वहीं बात कर लेते हैं ह्यूंडई सेंट्रो की, तो यहाँ पे आपको 17.64 सेंटीमीटर की टच स्क्रीन मिल जाएगी। वहीं मारुति इग्निस में आपको डुअल डिन ऑडियो सिस्टम देखने ही मिल जाता है। दोनों में ही आपको स्पीकर्स की बात करूँ तो दोनों में ही आपको 4 स्पीकर देखने मिल जाएंगे। ह्यूंडई सेंट्रो की मैं बात करूँ तो टच स्क्रीन होने के कारण यहाँ पे आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और मिरर लिंक जैसे फीचर्स के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं मारुति इग्निस में USB ऑक्स और ब्लूटूथ का सपोर्ट आपको देखने मिल जाता है। यहीं बात कर लेते हैं स्पीकर्स की, तो यहाँ पे आपको 4 स्पीकर्स दोनों में ही देखने मिल जाते हैं। एंड ऑडियो क्वालिटी की मैं बात करूँ तो दोनों में ही आपको एवरेज मिलेगी, बट ह्यूंडई सेंट्रो में थोड़े से अच्छे स्पीकर्स दिए हुए हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि होने वाले हैं स्पेसिफिकेशन यानी डायमेंशन एंड कैपेसिटी की। तो यहाँ पे आपको दोनों की ही लेंथ की बात करूँ तो 3610 mm की लेंथ ह्यूंडई सेंट्रो में देखने मिलेगी, वहीं 3700 mm की लेंथ मारुति इग्निस में, 1445 mm की विड्थ यहाँ पे आपको ह्यूंडई सेंट्रो में देखने मिलेगी, वहीं 1690 की मारुति इग्निस में, 1560 की ह्यूंडई सेंट्रो में, वही 1595 mm की हाइट आपको मारुति इग्निस में देखने मिल जाएगी। व्हील बेस की मैं बात करूँ तो 2400 mm का यहाँ पे आपको व्हील बेस ह्यूंडई सेंट्रो में देखने मिलता है, वहीं 2435 mm का व्हील बेस आपको मारुति इग्निस में देखने मिल जाता है। अब मैं बात करने वाला हूँ कि यानी टायर साइज़ की, तो यहाँ पे मैं बात करूँ टायर साइज़ की तो यहाँ पे आपको दोनों ही कार्स में अलग अलग टायर साइज़ देखने मिलते हैं। वहीं बात करते हैं ह्यूंडई सेंट्रो में तो 14 इंच व्हील्स आपको देखने मिलेंगे, वहीं मारुति इग्निस में 15 इंच व्हील्स देखने मिलेंगे। 165/70 R14 ये टायर साइज़ ह्यूंडई सेंट्रो का है, वहीं 175/65 R15 मारुति इग्निस का टायर साइज़ है। दोनों में आपको ट्यूबलेस रेडियल टायर देखने मिल जाते हैं। तो अब मैं बात करने वाला हूँ दोनों ही कार्स के कंक्लूजन की, हम लोग कंक्लूजन पे कि विच इज़ बेस्ट टू बाय। दोनों ही कार्स की बात करें तो मारुति इग्निस में आपको काफ़ी सारे अच्छे सेफ्टी फीचर्स देखने मिल जाते हैं, वही ह्यूंडई सेंट्रो में आपको अच्छे फीचर्स देखने मिल जाते हैं जैसे कि रेयर एसी वेंट, टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम और साथ ही साथ रेयर कैमरा, जो कि आपको मारुति इग्निस में अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सेफ्टी पर्पज से, तो यहाँ पे मारुति इग्निस यहाँ पे सेफ कार है ह्यूंडई सेंट्रो के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छे खासे सेफ्टी फीचर्स देखने मिलते हैं जो कि ह्यूंडई सेंट्रो में नहीं, एडिशनल सेफ्टी फीचर्स भी अच्छे खासे देखने मिल जाते हैं जो कि ह्यूंडई सेंट्रो में नहीं है। सर्विस सेंटर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको आफ्टर सेल सर्विस ह्यूंडई की ज़्यादा अच्छी देखने मिल जाती है, लेकिन वहीं आ जाता है सर्विस कॉस्ट। वहीं बात कर लेते हैं मारुति इग्निस की, तो ये नेक्सा का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे भी आपको आफ्टर सेल सर्विस बहुत ही ज़्यादा अच्छी देखने मिलेगी। तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मारुति इग्निस लेनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू ह्यूंडई सेंट्रो, क्योंकि यहाँ पे दोनों की ही बिल्ड क्वालिटी सेम टू सेम है। दोनों ही कार सेम बिल्ड क्वालिटी के साथ आती हैं, प्लास्टिक क्वालिटी भी आपको दोनों में ही सेम देखने मिलेंगी। वहीं आफ्टर सेल सर्विस आपको मारुति इग्निस की काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने मिलेगी, क्योंकि नेक्सा की सर्विस काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और साथ ही साथ आपको चीप प्राइस में सर्विस हो जाएगी। वहीं आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर्स देखने मिल जाते हैं, सेफ्टी फीचर्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। वहीं आपको ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का देखने मिल जाता है, जो कि आपके पॉट होल्स एंड रफ रोड्स में भी कभी आप चलाएंगे, जो कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से बहुत ही अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मारुति इग्निस में दिया हुआ है। वहीं ह्यूंडई सेंट्रो की मैं बात करूँ तो इसकी स्टेबिलिटी आपको हाईवे पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलेगी, कुछ अच्छे फीचर्स दिए हुए हैं लेकिन वो इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इतने ज़्यादा कोई सेफ्टी फीचर्स हमें नहीं दिए हुए, साथ ही साथ एडजस्टेबल स्टेयरिंग भी नहीं दिया हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें हो जाती है ह्यूंडई सेंट्रो के ऊपर। एंड अगर मैं बात करूँ इसके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है 165 mm है, जो कि इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से मारुति इग्निस से तो ये बहुत ही ज़्यादा कम है। तो ये थे कुछ थी आज की वीडियो, मेरा एडवाइस है कि आप मारुति इग्निस लें अगर आप ह्यूंडई सेंट्रो लेने जाते हैं। और भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो हमने काफ़ी सारी कंपैरिजन वीडियो बना दी है, हमारे चैनल पर विजिट करें एंड उन्हें भी चेकआउट करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करिए हमारी वीडियो और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्टे सेफ एंड देखते रहिए।